गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.10 क्लास फिफ्थ मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 12। ए मैन हैज टू बंडल ऑफ नोट्स, द टोटल मनी इज द फर्स्ट बंडल रुपए 480 एंड अदर बंडल 300। ही गिव्स 1/4 ऑफ द फर्स्ट बंडल, 1/3 ऑफ द अदर बंडल टू बंटी। ही गिव्स 1/3 ऑफ द फर्स्ट बंडल, 1/5 ऑफ द अदर बंडल टू बिनी। हु रिसीव्ड मोर एंड बाई हाउ मच। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी के पास दो बंडल नोट है। टोटल मनी उसके पास फर्स्ट बंडल में 480 रुपये है और दूसरे बंडल में 300 रुपये है। उसने पहले बिनी बंटी को कितने दिए, फर्स्ट बंडल में 1/4 और 1/3 सेकेंड बंडल में, और बिनी को क्या दिए, फर्स्ट बंडल में 1/3 और सेकेंड बंडल से 1/5। अब ये कह रहा है कि किसने किससे कितने ज़्यादा रिसीव किए, कितने और कितने ज़्यादा। ठीक है, तो टू बंडल्स नोट फर्स्ट बंडल के रुपए 480 और सेकंड बंडल के रुपए 300। बंटी ने कितने रिसीव्स किए, 1/4 ऑफ द फर्स्ट बंडल प्लस 1/3 ऑफ सेकंड। तो 1/4 फर्स्ट बंडल के नोट कितने हैं, 480 है। इसने कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जाए 8, 0 का 0, और 1/3 से इसने 300 को कैंसिल किया तो 100 आ गया। अब 120 और 100 को इसने जोड़ दिया तो कितना आ गया, रुपये 220। ठीक है, रुपये 220। अब बनी का आ गया, अब बनी ने कितना किया, 1/3 ऑफ फर्स्ट बंडल और 1/5 ऑफ सेकंड बंडल। तो 1/3 फर्स्ट बंडल 480 और प्लस 1/5 इंटू 300। 300 480 कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट बंडल के रुपए और सेकंड बंडल के रुपए। तो 3 से इसने कैंसिल किया तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 का 0, 5 से कैंसिल किया तो 5 6 जा 30, 60 आ गया। अब 160 और 60 को इसने प्लस कर दिए तो आपका 220 रुपये आ गया। बोथ रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ द रुपये 220, मतलब ये कोई भी किसी से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।